समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और भागीदारी संकल्प मोर्चा के जरिए राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले आज ओम प्रकाश राजभर जब जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के अजमलपुर गांव में पहुंचे तो बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ है, लोगों को संबोधित किया, कई मुद्दों पर बात किया। हम आपसे बात करेंगे जो मुद्दे हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। सर, ग्लोबल भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो आपने भी लोगों को संबोधित किया, बहुत सारी बातें रखी, ये बाई इलेक्शन यहाँ जलालपुर में हुआ था और आपके पार्टी के कैंडिडेट को तकरीबन 10,000 वोट मिला था, तो क्या लग रहा है पंचायत चुनाव में आपको खासकर अम्बेडकर नगर में कितनी सफलता मिल पाएगी? देखिए, अम्बेडकर नगर ही नहीं, पूरे 75 जिले में भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसी तरह का तूफान आपको शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर मिलेगा। इसी तरह का तूफान आपको अलीगढ़, मथुरा, हाथरस मिलेगा। इसी तरह का तूफान आपको कन्नौज, कासगंज, एटा, इटावा मिलेगा। इसी तरह आपको इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ मिलेगा। इसी तरह आप जाएंगे गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, पूरे 75 जिले में एक ऐसा हुआ, किसी कवि ने लिखा है कि खोज खोज अधियार भगावा, ऐसे सब पुलायल हो, पता न पाव दियनी के पियनी तर सार लुकायल। तो आज सीधे सीधे बीजेपी ने जो महंगाई ले आई है, बीजेपी के शासन जब जब हुआ है तब तब महंगाई आई है, इस महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। आप भी उसी सरकार में तकरीबन 18 महीने कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो क्या अनुभव रहा उस 18 महीने का? 18 महीने में मैं डंडा लेके खड़ा था, आपने देखा कि 18 महीने में 8 दिन के बाद ही मैं शुरू हो गया कि थाने पर जो पिछली सरकारों में 500-1,000 में FIR हो जाते थे, वहाँ 15,000-20,000 रुपये लिए जा रहे हैं, अधिकारी मनमान हो रहे हैं और वहाँ कोई किसी गरीब का सुनने को तैयार नहीं है, डांट के भगाए जा रहे हैं। मैं बार बार कहता था शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, गांव में शौचालय की बात मुख्यमंत्री कहते थे, तो मैं कहता था आप 2.5 करोड़ की जगह आप 5 लाख बनवाओ, लेकिन उपयोग वाला बनवाओ। आज गांव में किसी आप चले जाइए, आप वहाँ जाके देखेंगे 100 शौचालय अगर सरकार ने बनवाया है तो 90 शौचालय बेकार हैं, या तो उसमें बकरी लोग बांध रहे हैं, या कुत्ता बैठता है, या ऊपर छत नहीं है, या दरवाजा नहीं है। ये जो अभी बाई इलेक्शन हुए, इसके बाद पंचायत चुनाव है, 2022 बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आप बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं और जो अन्य विपक्षी दल उनको साथ नहीं ले रहे हैं? देखिए, हम 10 लोग हैं, आपने देखा कि 43% पिछड़ी जाती है और 22% मुस्लिम है, ये हो जाता है 65, 100 में 65 हमारा है और 35 में बंटवारा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो सबसे बड़ा विपक्षी दल यूपी में सूबे में इस समय है समाजवादी पार्टी, क्या आप उसके साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी के पास वोट कहाँ? तो आप गठबंधन करेंगे सब किसी न किसी दल से? देखिए, हमारी नीति हमारे विचार से जो लोग सहमत हैं, जो लोग हमारे मोर्चे में शामिल होना चाहें सबका सुन। तो अभी आप मायावती पर भी निशाना साध रहे थे, तो उधर जाने का कोई सारा मतलब तो नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग हमारी विचारधारा को लागू कराने के लिए हमारे साथ आना चाहें, हम सबका स्वागत। सर, आखिरी सवाल ये कि गठबंधन के बारे में बता दीजिए, आप कई बिंदुओं पर अखिलेश कई बार अखिलेश जिससे आपकी मुलाकात भी हुई है। देखिए, गठबंधन तो हमारा इतना ज़बरदस्त है, अब आप उठा के देखिए 18% अकेले राजभर का वोट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द प्रिंट शेखर गुप्ता का बयान है, टीवी पे चल रहा है इस समय कि 24 लोकसभा सीटों पर 50,000 से लेके 2.5 लाख, 18% राजभर है, 18% मुसलमान है। जब से ओबीसी जी से मिला हूँ तब से बीजेपी परेशान है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या हुआ? नहीं, ये गलत बात है। नहीं, आप देखिए, गुजरात के गोधरा में 8 सीट पे चुनाव उन्होंने लड़ा, 7 सीट जीते, 17 निर्दलियों ने समर्थन किया और निकाय का चेयरमैन बना लिया। अच्छा, कोरोना फिर पार्ट 2 आ गया, क्या लग रहा है? ये कोरोना कोई बीमारी नहीं, ये देश को बेचने का एक उपाय है। तो गठबंधन पे सर नहीं कहेंगे? मैं तो रहा हूँ भागीदारी संकल्प मोर्चा, इससे बड़ा गठबंधन रोकना संभव नहीं लग रहा बीजेपी को। अच्छा, ये जनता जो आई थी अभी आपने सुना है, क्या इनसे वो लोग वोट, यही लोग बीजेपी को जिताए थे, यही लोग सरकार बनाते हैं। आज 18% वोट समाजवादी पार्टी से निकाल दीजिए, तक्का वोट बचता है 9%, 18 18 36, इधर होगा 35 सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम अकेले जो है मोर्चा ले रहे हैं और कोई पार्टी मोर्चा नहीं ले रही। अच्छा, एक डॉक्टर का नाम बताइए जो डॉक्टर कहता हो कि हमारा मरीज मर जाएगा। तो क्या ये जो 2022 का चुनाव होगा इसमें आप कितने सफल होंगे सर? 100% 22 के चुनाव में आप देखिएगा, हम 22 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी और दावे के साथ कहता हूँ किसी की औकात नहीं कोई रोक ले। अभी इसी 5 तारीख को देखिएगा, मैनपुरी में हम जा रहे हैं, आपको मैनपुरी में कम से कम यहाँ जो आप देखे हैं इसका 20 गुना लोग वहाँ जुटेंगे, 1,000 के ऊपर गाड़ियाँ हो चुकी आज तक। अभी आपने कहा कि 5 मई को अगर सरकार शराबबंदी नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे,
आंदोलन नहीं, सरकार गिरा देंगे मई, देखिएगा ना।